आज बात करेंगे पावर ऑफ एडिटिंग की या पावर ऑफ एडिटिंग सॉफ्टवेयर की। देखिए दोस्तों, एज अ बिगनर फोटोग्राफर या एज अ फोटोग्राफर, कई बार हम अपनी फोटोग्राफी के साथ बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करते हैं और जब फाइनली उन पिक्चर्स को हम अपने लैपटॉप पे लेके आते हैं या अपने डेस्कटॉप कंप्यूटर पे देखते हैं तो वहाँ पर कई बार हमें डिसअपॉइंटमेंट होती है, क्योंकि जब आप अपने कैमरा के LCD स्क्रीन पर देखते हो तो वो पिक्चर्स आपको अच्छी नज़र आ रही होती हैं, लेकिन जब आप बड़े स्क्रीन पर देखते हो तो वहाँ पर आपको बहुत सारी कमियाँ नज़र आती हैं। तो यहाँ पर रोल आता है एक अच्छे फोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर का, और वहाँ पर आपको रियलाइज़ होता है कि अगर आपके पास में एक अच्छा एडिटिंग सॉफ्टवेयर है तो आप किस तरह से उसकी मैक्सिमम आउटपुट को यूज़ करके अपनी फोटोग्राफी को बिल्कुल नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकते हो। तो आज मैं बात करूंगा दोस्तों पावर ऑफ एडिटिंग की। तो इस वीडियो को छोड़ के कहीं मत जाइएगा, पूरा आपको डेमो के साथ दिखाने वाला हूं। वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स, दिस इज मनीष सक्सेना, लेट्स गेट स्टार्टेड। अब यहाँ पर दोस्तों आप एक पिक्चर देख पा रहे स्क्रीन के ऊपर। अब ये जो फोटो है ये मैंने एक अपने वीडियो के मैं कर रहा था कैनन M50 मार्क टू का इमेज क्वालिटी टेस्ट, तो वहाँ पर मैंने एक पिक्चर लिया था और जब मैं थोड़ा अपने कलर टेम्परेचर के साथ में और एक्सपेरिमेंट कर रहा था अपने वाइट बैलेंस के साथ, तो गलती से इस तरह का रिजल्ट मुझे मिला जो कि मुझे बहुत डिसअपॉइंटिंग लगा जब मैंने अपनी पिक्चर को अपने एक सॉफ्टवेयर में खोल के देखा। तो यह मैं इस पिक्चर का नमूना आपको इसलिए दिखा रहा हूँ दोस्तों क्योंकि कई बार आप लोग भी इस तरह से अपनी फोटोज़ को शूट करते हुए इंडोर में या आउटडोर में, और जब आप देखते हो उसको बड़े स्क्रीन के ऊपर तो आपको लगता है कि इसमें बहुत सारी कमियाँ रह गई। तो दोस्तों पहला लेसन तो आप हमेशा याद रखिए कि आप जब भी फोटो शूट करें आप हमेशा रॉ पे शूट करें, तभी आप ये सारी कमियों को आप रिकवर कर पाएंगे। नाउ दूसरी चीज़, बात आती है एक ऐसे पावरफुल एडिटिंग सॉफ्टवेयर की जो आपकी सारी ज़रूरतों को आसानी से पूरा कर सके। तो यहाँ पर दोस्तों बहुत सारे सॉफ्टवेयर आपने देखे होंगे, मसलन लाइट रूम या आपने अलग अलग तरह के मोबाइल ऐप्स आती हैं, काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर्स आते हैं। तो यहाँ पर मैंने उन सभी सॉफ्टवेयर्स को दोस्तों ट्राई किया है, वो काफ़ी अच्छे सॉफ्टवेयर्स हैं, बट मैं एक ऐसे सॉफ्टवेयर की हमेशा तलाश में रहता था कि भाई मुझे एक पूरा सोल्यूशन मिले, एक प्रोफेशनल लेवल के ऊपर मुझे कमांड मिले अपनी इमेज के ऊपर। एंड स्पेशली जब मैं ये सारी चीज़ें ढूंढता था तो वहाँ पर मैंने कुछ चीज़ों को तलाशना शुरू किया, जैसे कि मैं इस तरह के सॉफ्टवेयर को देखता था जहाँ पर मुझे एक ही जगह पर मैं कंट्रोल कर सकूँ वाइट बैलेंस को, अपने कलर टेम्परेचर को, टिंट को बहुत आसानी से, जिससे अगर कुछ भी गड़बड़ी हो गई है तो मैं उसे आसानी से रिकवर कर सकूँ। दूसरा मैं हमेशा ढूंढता था कि भाई हाई डायनेमिक रेंज है उसे हम किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं पोस्ट के अंदर, तो वो भी चीज़ मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरी चीज़ है एक्सपोजर की सेटिंग्स, यानी कि एक्सपोजर को हम किस तरह से कंट्रोल करते हैं। अब ये तो सारी हर सॉफ्टवेयर में आपको एक्सपोजर कंट्रोल वाली फीचर्स मिल जाते हैं। उसके बाद मैं देखता था कि भाई डीहेज वाला फीचर है या नहीं, ताकि मैं टोटल अपनी इमेज को जो मेरा उसका आउटपुट है उसको अच्छे से कंट्रोल कर सकूं। उसके बाद आते हैं आपके लेवल्स, कर्व्स वगैरह वगैरह, विग्नेटिंग, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें मुझे जो मिली, जो मुझे एक पावरफुल सॉफ्टवेयर नज़र आया, वो नज़र आया मुझे कैप्चर वन। अब कैप्चर वन मैं यूज़ करता हूँ, जो मेरे पास लेटेस्ट वर्जन अभी कैप्चर 21 का। तो ये इमेज पे जब मैं काम कर रहा था तो मुझे लगा कि मुझे आपके साथ शेयर करना चाहिए। तो आप फिलहाल देख पा रहे स्क्रीन के ऊपर मुझे देखिए इस तरह की इमेज मिली है। अब यहाँ पर सबसे बड़ी गलती हुई कि मैंने दोस्तों यहाँ पर अपने कलर टेम्परेचर को ठीक से सेट नहीं किया, थोड़ी सी कैलकुलेशन में गलती हुई, क्योंकि जब आप आउटडोर शूट करते हो तो वहाँ पर लाइट तेज़ी से आती है जाती है आपको पता नहीं चलता। तो सबसे पहले दोस्तों आप देख पा रहे हो लेफ्ट हैंड साइड पे यहाँ पर वाइट बैलेंस का ऊपर आपको ऑप्शन नज़र आ रहा है, तो मैं जो है अब वाइट बैलेंस को सबसे पहले ठीक करूँगा ताकि शुरुआत हमारी ठीक हो। और यहाँ पर देखिए मैं लेके रहा, क्योंकि मैंने डे लाइट में शूट किया है तो मैं वाइट बैलेंस से अपना देखिए ये केल्विन की जो बार है इसे मैं लेके जा रहा हूँ लगभग 5241 तक, और ये जो टिंट है इसको भी मैं नीचे लेके जाऊंगा देखिए इस तरह से, और इसको हम लेके जाएंगे लगभग ये देखिए करीब 9 के आसपास मैंने रखा है। तो अब आप देख रहे हैं इमेज में काफ़ी कुछ फ़र्क आने लगा है सिर्फ दो चीज़ों के ऊपर, यानी कि हमने अपने वाइट बैलेंस को थोड़ा सा ठीक करने की कोशिश की और इमेज नाउ आप देख पा रहे हो क्योंकि पावरफुल सॉफ्टवेयर है तो कितने अच्छे से ये परफॉर्म कर रहा है। दूसरी चीज़ मैं बात करूंगा सीधा सीधा हाई डायनेमिक रेंज पे, तो यहाँ पर सबसे पहले आप देख पा रहे हैं वाइट, तो यहाँ पर तीसरा ऑप्शन है वाइट का, तो मैं वाइट को बिल्कुल देखो माइनस में लेके जा रहा हूँ इस तरह से, प्लस में लेके जाऊँगा तो देखिए पूरा जो लाइट देखिए किस तरह से जो है पिक्चर को डिस्ट्रॉय कर रही है, तो मैं वाइट को लेके जाऊँगा इस तरह से ताकि पीछे जो बैकग्राउंड ब्लर हुआ है उसको हम थोड़ा सा और अच्छे से कंट्रोल करें और हमारा जो मॉडल है वो थोड़ा अच्छे उसकी जो स्किन टेक्सचर है उसका जो फीचर्स हैं उसकी जो डिटेलिंग है अच्छे से निकल के आए। तो मैंने यहाँ माइनस जीरो किया है, ब्लैक को मैं थोड़ा सा हाई करूँगा ऊपर लेके जाऊँगा प्लस में देखिए इस तरह से, ताकि उसकी जो हेयर डिटेल है और जो उसकी बियर्ड है वो हमें थोड़ी सी अच्छी नज़र आए। तो देखिए मैंने ब्लैक को थोड़ा सा रखा है यहाँ पे करीब ऑलमोस्ट 38,
और शेडोज जो है इसे भी हम थोड़ा सा ऊपर लेके जाएंगे ताकि हम सारी डिटेल जो है वो अच्छे से देख पाए। देखिए इस तरह से, तो अभी थोड़ा सा खराब लग रहा है पिक्चर, बट ये भी ठीक हो जाएगा। तो मैंने अराउंड 42 रखा है ताकि हाईलाइट जितनी मैक्सिमम मैं कैप्चर कर सकता हूँ वो इस इमेज के अंदर मैं कैप्चर कर पा रहा हूँ। अब बात करेंगे हाईलाइट की, तो हाईलाइट को हम थोड़ा सा देखिए माइनस में लेके जाएंगे, हल्का सा, ज़्यादा नहीं, तो करीब मैं लेके जा रहा हूँ -7। और यहाँ पर जो है दोस्तों अब हम बात करेंगे देखिए डीहेज फीचर की। अब डीहेज को मैं जैसे ही इसका अमाउंट जो है मैं ऊपर लेके जाऊँगा, देखिए इस तरह, तो आप देख रहे हैं ओवरऑल जो पिक्चर की क्वालिटी है यानी कि पिक्चर का जो लुक है अब कम्प्लीटली हमारा चेंज होता जा रहा है, ये देखिए इस तरह से। तो मैं यहाँ लेकर गया हूँ करीब 67 के ऊपर। नाउ आवर पिक्चर इज़ लुकिंग मच मच बेटर। और यहाँ पर जो सेचुरेशन है थोड़ा सा मैं ऊपर लेके जाऊँगा ताकि कलर ग्रेड अच्छा से लगे हमारा, कलर ग्रेडिंग ये देखिए इस तरह से। तो नाउ मैंने करीब 15 पे रखा है। नाउ यू कैन सी द इमेज इज़ लुकिंग फैंटेस्टिक। और उसके बाद जो है दोस्तों एक्सपोजर, इसको हम थोड़ा सा कम करने की कोशिश करेंगे अभी ताकि पिक्चर जो है हमारी और भी स्ट्रांग नज़र आए। तो मैंने यहाँ पर देखिए करीब इसको रखा है -0.23 के ऊपर। तो ये एक एडिटिंग सॉफ्टवेयर की पावर होती है दोस्तों कि किस तरह से वो आपकी गलतियों को रिकवर करता है। अब यहाँ पे सबसे अच्छी बात ये रही कि मैंने फोटो को जो है रॉ पे शूट किया था तभी मैं सारी चीज़ें कर पा रहा हूँ। अगर मैंने इसे जेपेग में शूट किया होता तो मैं इतनी सारी डिटेल जो है वो रिकवर कर ही नहीं सकता था। तो अब हम बात करेंगे दोस्तों आगे की। अब यहाँ बहुत सारे आपको फीचर्स मिल जाते हैं तो आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से उसे यूज़ कर सकते हैं। बट अब जो है विग्नेटिंग वाला थोड़ा सा मैं पार्ट ऊपर लेके जाऊँगा, देखिए इस तरह से। तो आप देख रहे हैं कि सॉरी माइनस में लेके जाऊंगा ताकि इमेज की डिटेल थोड़ी सी हमें और अच्छे से नज़र आए। नाउ यू आर लुकिंग, नाउ दिस पिक्चर इज़ लुकिंग ब्यूटीफुल दोस्तों। यहाँ पर अब आप देख पा रहे हो कि स्किन टेक्सचर मॉडल का कितना नेचुरल नज़र आ रहा है, उसकी शर्ट का कलर, बैकग्राउंड का जो है तो ओवरऑल उसकी जो लुक है वो कितनी अच्छे से नज़र आ रही है। अगर आपको थोड़ा सा एक लेवल और आगे जाना है तो यहाँ पर मैं ऊपर देखिए एक लेयर इस तरह से क्रिएट कर लूँगा और यहाँ पर एक ब्रश साइज़ लेके देखिए ये ब्रश मैं क्रिएट करता हूँ, राइट एंड क्लिक करके ब्रश साइज़ मैंने थोड़ा सा बड़ा कर लिया है। और देखिए मैं इस तरह से सिर्फ बैकग्राउंड को ही सेलेक्ट करूँगा, देखिए इस तरह से। तो ये बहुत ही अच्छा सॉफ्टवेयर है दोस्तों, इतना पावरफुल है कि जब आप इस पर धीरे धीरे काम करेंगे तो आई एम श्योर कि आपको ये लाइट रूम और भी वगैरह वगैरह जो भी सॉफ्टवेयर आते हैं वो आपको बिल्कुल मज़ा नहीं आएगा उसके ऊपर, क्योंकि यहाँ पर आपको जो कमांड्स मिल रहे हैं वो बहुत ही बेहतरीन है। देखिए मैंने इस तरह से आपको दिखाने के लिए थोड़ा सा ये देखिए इस तरह से कवर कर लिया, ये पूरा जो है मास्किंग कर ली है। और अब मैं जो है एक्सपोजर को थोड़ा सा सिर्फ बैकग्राउंड का जो है आप देख पा रहे हैं वो अफेक्ट करेगा। तो देखिए हम देखिए इस तरह से मैंने थोड़ा माइनस किया है, ये देखिए। सो नाउ यू कैन सी तो इमेज पे कितना अच्छा हमें कंट्रोल मिल रहा है। और अब मैं यहाँ थोड़ा सा सैचुरेशन हाई कर रहा हूँ, तो आप देख रहे हैं सिर्फ बैकग्राउंड का सैचुरेशन थोड़ा हमें हाई मिल रहा है। और यहाँ पर थोड़ा सा शेडोज़ को मैं हल्का सा और ऐड करूँगा ताकि थोड़ा सा बैलेंस जो है वो हमें बना रहे हमारी इमेज के अंदर। नाउ यू कैन सी द इमेज दोस्तों, फाइनली ये जो इमेज है ये इस तरह से हमें निकल के आ रही है। और यहाँ पर अगर मैं आपको बिफोर एंड आफ्टर दिखाऊं दोस्तों, तो ये देखिए कि गलती हुई थी, तो आप देख पा रहे हैं ये हमारा पिक्चर है बेसिकली, दिस वाज अर्लियर इट वाज लाइक दिस, एंड आप देख पा रहे हो अब जो हमारा पिक्चर आफ्टर इस तरह से दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर दोस्तों आपने देखा किस तरह से हमने पूरी अपनी इमेज को जो है कम्प्लीटली चेंज कर दिया। अब ये सारी गलती हुई किस वजह से, क्योंकि मैंने अपना जो कस्टम वाइट बैलेंस था वो ठीक से कैलकुलेट नहीं किया, ठीक से उसे जो हम कह सकते हैं कि मैंने मीटर नहीं किया अपनी लाइट को ठीक से, या आप कह सकते हैं कि मैंने केल्विन को चूज़ करने में गलती की, या आप कह सकते हैं कई बार हम जब एज अ फोटोग्राफर काम करते हैं तो वहाँ पर हम कई बार ऑटो वाइट बैलेंस छोड़ देते हैं, वो भी कई बार जो है मिसफायर कर जाता है यानी कि ठीक से काम नहीं करता, या हमने गलत ऑप्शन चुन लेते हैं, कई बार हम सनलाइट, डे लाइट, शेड्स वगैरह वगैरह चुन लेते हैं, जिस वजह से सारी प्रॉब्लम आती है। तो आप देख रहे हैं कितनी आसानी से जो है दोस्तों हमने अपनी इमेज को जो है पूरा अच्छे से कंट्रोल किया। अब मैं इसको अगर थोड़ा सा क्रॉप भी कर दूंगा दोस्तों, देखिए इस तरह से, तो आप देख पा रहे हैं ये क्रॉप करने के बाद इमेज जो है ये इस तरह से निकल कर रही है। नाउ द फ्रेम इज लुकिंग मच मच बेटर एंड दिस इज द फाइनल आउटपुट। तो आप देख पा रहे हैं दोस्तों कि हमने कितनी आसानी से अपनी इमेज को बिल्कुल नेक्स्ट लेवल पे लेकर गए हैं। और ये जो कैप्चर वन सॉफ्टवेयर है दोस्तों, मेरे पास जो वर्जन है अभी कैप्चर वन 22 है, ये फ्री वर्जन आपको मिल जाएगा, लिंक मैंने नीचे लगा दिया है, वहां जाके आप जो है इसे डाउनलोड कर सकते हैं। आप इसे ट्राई करिए और मुझे कमेंट करके बताइएगा क्या आपको इस सॉफ्टवेयर में मज़ा आया या नहीं आया। दूसरी चीज़ और मैं बता दूँ, इस सॉफ्टवेयर में आप टेदर शूटिंग भी कर सकते हैं, यानी कि अगर आप
आप फोटो शूट कर रहे हैं तो आपको अपने कैमरा को आप इसको आसानी से इसमें कनेक्ट कर पाएंगे और जैसे ही आप अपनी पिक्चर क्लिक करेंगे वो आपकी पिक्चर जो है बड़े स्क्रीन के ऊपर आ जाएगी, तो वहाँ पर भी आप सारे चेंजेस लाइव कर पाएंगे। सो दिस इज़ द पावर ऑफ अ वेरी गुड सॉफ्टवेयर दोस्तों। तो हमेशा मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप जब भी कोई भी सॉफ्टवेयर चूज़ करें तो थोड़ा सा रिसर्च करें और आप देखें कि वो सॉफ्टवेयर से आपको क्या क्या मिल रहा है। अब ये नहीं कि किसी ने वीडियो बना के बता दिया कि भाई ऐसे कर लो, किसी ने जैसे मैं भी वीडियो बना के बता रहा हूँ बट या किसी ने बता दिया, आप पहले उस खुद उस सॉफ्टवेयर को ट्राई करें। ये सॉफ्टवेयर नहीं, बाकी के और भी सॉफ्टवेयर ट्राई करें। मैं इसे रिकमेंड इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं इस सॉफ्टवेयर को बहुत सालों से यूज़ करता हूँ और ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, क्योंकि मैं यूज़ करता हूँ इसलिए मैंने आपको बताया कि भाई आप भी इसे यूज़ करिए। और आपके कमेंट्स का मुझे रहेगा इंतजार, क्या आपको पिक्चर में कुछ फ़र्क नज़र आया, क्या आपको इसके टूल्स अच्छे लगे, कौन सी चीज़ आपको बेटर लगी इस सॉफ्टवेयर की, मुझे कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा। उम्मीद है आज की इस वीडियो से आपको एक बात समझ में आएगी कि अगर हम एक सही सॉफ्टवेयर चूज़ करते हैं तो हमें पता चलता है जब हम पोस्ट में बैठते हैं उसकी पावर का, यानी कि पावर ऑफ एडिटिंग सॉफ्टवेयर। आज के लिए इतना ही, जल्दी मिलते हैं फिर नए वीडियो के साथ। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, क्योंकि जब आप चैनल सब्सक्राइब करते हो तो दिल को लगता है बहुत ही अच्छा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।